हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीत्रा ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ऑनलाइन के साथ भी व्यस्त रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है पोल्यूशंस ऑफ एयर एंड वाटर। मतलब हमारे इस इन्वायरमेंट में एयर और वाटर में जो पोल्यूशंस होते हैं उनके अफेक्ट्स, कौन कौन से फैक्टर इनको पॉल्यूशन को काज करते हैं उनके बारे में और उनका हमारे लाइफ पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उनकी स्टडीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक पॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये होता है कि सर पॉल्यूशंस क्या होता है? तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा पॉल्यूशन का एक सिंपल सी मतलब अगर निकालना चाहें तो गंदगी से निकालते हैं, लेकिन नहीं, गंदगी नहीं कहा जा सकता। ये कहिए कि जब हम इस धरती पर आए थे तो हमारे नेचर ने हम लोगों को सब कुछ एक बैलेंस रेशियो में दिया था, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो हमारे ज़मीन के अंदर रहने वाले मिनरल्स हों, ये सब कुछ नेचर ने हमको एक बैलेंस रेशियो में दिया था। लेकिन इंसान के लालच ने, वो लालच क्या है, गिव मी मोर, एक कहावत सुना होगा ना, ये दिल मांगे मोर, तो वो हालत है इंसान की कि इंसान को हर चीज़ थोड़े में संतुष्ट नहीं रहता बल्कि उसको और चाहिए और उसकी यही ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा, उस इच्छा ने नेचर को पॉल्यूशन की ओर ढकेल दिया। अब आप कहेंगे सर कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा जब इनिशियली इस अर्थ का निर्माण हुआ था तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01% के आसपास था और आज ये कॉन्सेंट्रेशन 0.98% के आसपास है। सोचिए हमने कितना छलांग लगाया, 90% से ज्यादा। और ये हम एक दिन से नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से, मतलब आप 1915 के बाद से ये स्टार्ट हो गया था। और जब ये होगा तो आपने देखा होगा लोगों ने फैक्ट्री खड़ी कर ली, लोगों के पास 1 से 3 से 4 से गाड़ियां हो गई, लोग हर वो काम करने लगे जिसकी वजह से चीज़ों को जलाने से एनर्जी निकले और उस एनर्जी ने उनको भले ही आज समृद्धि के एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन उस एनर्जी के रिजल्टेंट में जो गैस निकली उस गैस ने जा करके हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। आज आप बच्चों हाई फ्लड की कंडीशन देखते हैं, बाढ़ की कंडीशन देखते हैं, बारिश इतनी होती है कि बाढ़ आ जाता है, ठंडी इतनी पड़ती है कि माइनस में चला टेम्परेचर चला जाता है, गर्मी इतनी पड़ती है कि इंसान घर के अंदर भी नहीं रह पा रहा। तो रीज़न क्या है? ये इंसान के अपने कर्म ही हैं जो उसको इस नेचर रिफ्लेक्ट करके दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें उन्हीं इंसान के उन्हीं बुरे कर्मों को जिनकी वजह से हमारे नेचर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो क्या कारण था। तो उसका सबसे पहला कारण है पॉल्यूशंस। तो मैंने कहा कि पॉल्यूशंस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए द पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब गंदगी, प्रदूषित कर देना ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कोई गंदगी कर देता है, कोई गंदा कर देता है, उसके जो डिफिनिट रेशियो है उन रेशियो को बिगाड़ देता है तो दैट शुड बी ए पॉल्यूशन। लाइक एयर वाटर, जो हमारे लिए जो सबसे जीने के लिए शायद सबसे ज्यादा कंपल्सन है, एयर और वाटर, उनको भी कैसे कंटामिनेट करते हैं, बाई एडिशन ऑफ हार्मफुल सबस्टेंस। क्या क्या अलग करके, एडिशन ऑफ हार्मफुल सबस्टेंस, हम उसमें अलग से जहर घोलते हैं, वो कैसे, जैसे टॉक्सिक और पॉइजनस, वही मतलब टॉक्सिक पॉइजनस मतलब दोनों जहरीले होते हैं। अब आप कहेंगे सर हम कहाँ जहरी जहर बनाते हैं, आप सीधे सीधे अपने पर इंसान पर ब्लेम नहीं लेना चाहता, सीधे कहता हम कहाँ जहर बना रहे हैं। तो बच्चों आप सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जहर ही हो गया क्योंकि वो जीने के लिए ऑक्सीजन वो गैस नहीं मानी जाती है, वो हमको नुकसान पहुंचाने के लिए गैस मानी जाती है। वो हम लोगों ने फसलों में कीड़ों को मारने के लिए क्या बनाया, डीडीटी बनाया, और डीडीटी आजकल इंसानों को ही मार रहा है, पॉइजनस एंड टॉक्सिक सबस्टेंस। और भी हमने बीएससी बनाया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाया, ये सब कहीं ना कहीं हमको मार रही है। और इसके अलावा और हमने और भी इससे बढ़कर भी काम किया है, हमने
रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को भी खोज किया है हम लोगों ने, जब से एटॉमिक रिएक्टर बनाना शुरू कर दिए हैं, एटॉमिक एक्सप्लोजन करना शुरू कर दिए हैं, तो हाँ हमको गिफ्ट में रेडियो एक्टिविटी भी मिल रही है, जिसकी वजह से लोग कम एज में मर रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं टॉक्सिक एंड पॉइजनस सब्सटेंस ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर बच्चों ये बात याद रखे रहेगी, मैंने यहाँ पर एक बात कोट करके रखा हुआ है कि ये कोई और नहीं फैला रहा है, इंसान ही फैला रहे हैं। और इसी टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूशंस कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को जिसमें हमारा नेचर गंदा हो जाता है बाय द एडिंग ऑफ टॉक्सिक एंड पॉइजनस सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉल्यूशंस। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर वो पोल्यूटेंट पॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, तो देखिए पोल्यूशन वाले सब्सटेंस को पोल्यूटेंट कहते हैं। तो ये द सब्सटेंस दैट कम पोल्यूशन दैट काजेस पोल्यूशन, ऐसे सभी सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करते हैं। तो जैसे कौन कौन सब्सटेंस, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये इंसान का दम घोट देती है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन कराता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड दम घोटता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जिक रिस्पॉन्ड काज करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन कराता है, डस्ट स्मोक सीवेज, बहुत सारे बच्चों बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इंसानों ने इस धरती पर फैला करके इस इंसान अब धरती को शायद रहने लायक न छोड़े। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एयर पोल्यूशंस। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर एयर पोल्यूशन क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले जानिए कि एयर पोल्यूशन की डेफिनेशंस क्या है। तो यही लिखा हुआ है द कंटामिनेशंस ऑफ एयर। जैसे हमने बताया था कि जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तब से फैक्ट्रियां और ऑटोमोबाइल गाड़ियां बहुत ज़्यादा बनी हैं, और जिनकी वजह से हम लगातार एयर को पलूट करते ही रहे हैं। हम यहाँ तक कि जब से स्पेस वॉर छिड़ा हुआ अमेरिका और रूस में, तब से लेकर के स्पेस में एक सबसे पहले काम करने की एक होड़ मची हुई है, और वहाँ पे होड़ मची हुई तो ये लोग क्या करते हैं अब स्पेस को भी गंदा कर दे रहे हैं। ये लोग जितने भी सैटेलाइट्स और ये सब डाल रहे हैं, तो आपने देखा होगा रॉकेट जो निकलता है तो पीछे बहुत गाढ़ा धुआं छोड़ता हुआ जाता है, तो वो धुआं हमारे इन्वायरमेंट को पलूट करता है, और फिर वो हमारे स्पेस के आउटर ऑर्बिट्स में वो जाकर के तमाम प्रकार के जो उनके सैटेलाइट्स के बेकार पड़े पुर्जे हैं और उनके प्लेन के जो टुकड़े टुकड़े सैटेलाइट्स जो हैं वो सब आज भी हमारे आउटरस्फीयर में क्या घूम रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। वही ये सब क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन काज कर रहे हैं। क्या कर रहा है द कंटामिनेशन ऑफ एयर विथ हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन गैस, स्मोक, डस्ट, ईटीसी, ये सभी क्या हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ, मतलब इन दोनों के इनके इन सभी गैसों के हार्मफुल इफेक्ट किसके किसके ऊपर, हम ऑर्गेनिज्म के ऊपर एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर तो नुकसान करता ही करता है, जैसे अगर ये सब सारी चीज़ें जमीन में मिल रही हैं तो जमीन की फर्टिलिटी क्या हो रही है, बर्बाद हो जा रही है, तो ये नुकसान काज करता है एंड और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशंस कहते हैं। तो इतनी तो बात समझ सबको समझ में आ गई कि आजकल हम जिस इन्वायरमेंट या जिस दौर में गुजर रहे हैं वहाँ पर हम लोग एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गर्मी या ठंड के दिनों में आप दिल्ली का पोल्यूशन देख लीजिए, पोल्यूशन इंडेक्स देख लीजिए, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ का बहुत ख़राब हो जाता है। दिल्ली की कंडीशन, मुंबई की कंडीशन देख लीजिए, बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ गई है, बढ़ने की वजह से लोगों ने लग्जीरियस लाइफ को अपना लिया है, लोग अपने घरों में फ्रिज कूलर AC ये सब रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सबसे वो खतरनाक गैसें निकल रही हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर दे रहे, गंदा कर दे रहे। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से इफेक्ट हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उनके गैसों से कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट काज हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फार्मूला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या काज करता है, ये काजेज अनकॉन्शियसनेस, यानी अगर आपने इसको इनहेल कर लिया तो ये सीधे आपके RBC से रिएक्ट करके ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जैसे ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो आपकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और अगर ये गलती से ब्रेन में पहुंच गया तो सीधे आपको कोमा यानी परमानेंट डेथ की तरफ लेके जाएगा। आज तक कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करके वापस लाइफ में नहीं आया है, दैट इज द रीजन। दूसरा बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो सबसे मेजर रोल है वो एसिड रेन में,
एसीटीन आपने देखा होगा, आपने देखा होगा अक्सर करके जब पहली बरसात होती है तो घर के बड़े बुजुर्ग आपको पहली बरसात में नहाने से मना करते, कहते बीमार पड़ जाओगे। दो रीज़न है। सबसे पहली बात, जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होता तो सबसे पहले बैक्टीरिया उक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पहली बारिश में वही गिरते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे रीजन ये वो पहला काज करता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सबसे खतरनाक एसिड में से एक आते हैं। तो अगर ये बॉडी पर पड़ता है तो बॉडी पर जलन और इचिंग काज करता है, तो ये हमारे बॉडी पर नुकसान करता है। तो ये तो हुआ कि कब जो रिएक्ट करेगा तब, लेकिन अगर वो इसी रूप में है और अगर आपने इसको सूंघ लिया तो खांसते खांसते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो ये आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। उसके बाद है NO एंड NO2। NO को कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब ये दोनों आपके बाद में आते हैं तो आपके लंग्स में इचिंग काज करते हैं, आपको बार बार खांसी आती है, तो ये लंग्स डिजीज को क्या करते हैं, काज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा अमूमन तौर पर इंसान को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एक बलगम वाली खांसी और एक आती है सूखी खांसी, तो ये इंसानों के अंदर सूखी खांसी को काज करता है। उसके बाद चौथा फ्यूम, धुआं। धुआं क्या करता है, ये आपकी आंखों में नाक में और गले में क्या करता है, जलन काज करता है, धुआं फ्यूम जिसको कहते हैं। उसके बाद लेड, ये लेड पहले बात क्वेश्चन की लेड शीशा होता है, तो शीशा निकलता कहाँ से है? अब आप कहेंगे सर जी वो शीशा जो दीवारों में लगा वो नहीं, ये लेड एक मेटल है और ये निकलता है जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, यानी पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, तो पेट्रोलियम में बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, तो जब वहाँ पर बर्न होता है तो वो लेड ऑक्साइड के रूप में निकलता है और ये बहुत ही जहरीला होता है। और ये अगर इनहेलेशन में हमारे ब्रेन के अंदर तक पहुँच गया तो मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग में तमाम प्रकार की बीमारियों को क्या करता, पैदा कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैन काजेज द एसिडेड, मतलब एयर पोल्यूशन के रिजल्टेंट में क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका इफेक्ट हमें और आपको दिखता है वो है एसिड रेन। एयर पोल्यूशन कैन काज एसिड रेन, कि एयर पोल्यूशन से एसिड रेन कैसे काज होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, याद रखिएगा बच्चों, किन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जैसे सल्फर के ऑक्साइड कौन है, SO2, और कौन है, SO3। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और कौन है, NO2। ये दो ऑक्साइड्स हैं जो गैसों के रूप में इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। तो जब ये दोनों ऑक्साइड वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, तो जब ये इससे रिएक्ट करता है या ये इससे रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये एसिड बनाते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, एयर पोल्यूशन कैन काज एसिड रेन। द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर मीन्स H2O, प्रेजेंस इन एटमोस्फियर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। याद रखिएगा बच्चों, हम सभी जानते हैं जब बादल गरजते हैं तो बादलों से बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए क्या करती है, मजबूर कर देती है, और ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसमें होगा तो ये क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम लोग अपनी भाषा में तेजाब कहते हैं। जी हाँ बच्चों, तेजाब जो बैटरी वगैरह में पड़ी जो हाथों जला देती है। तो सोचिए, जब ये तेजाब जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में होता है और जब वो कंडेंस होकर के पानी के साथ बरसता है तो हमारे बॉडी के ऊपर भी क्या इफेक्ट डालेगा, और सोचिए ये क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा द डैमेज इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्या क्या इफेक्ट डैमेज इफेक्ट कार्य करता है। तो सिंपल से बताया कि एसिड रेन डिक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर एसिड रेन सॉइल फर्टिलिटी को कैसे डिक्रीज करती है। तो देखिए बच्चों, जब एसिड किसी जगह पर गिरेगी तो उस जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मर जाएंगे। सॉइल की जो फर्टिलिटी एक निश्चित पीएच पर होती है, यानी एक निश्चित न्यूट्रलिटी पर होते हैं, तो वहाँ का जो सॉइल होता है हाईली एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके शराब होने के चांसेस क्या आ जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस वजह से बच्चों, जिस जगह पर एसिड की बरसात होती है वहाँ की सॉइल धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। दूसरा है, काजेज द डिस्ट्रक्शन इन एक्वेटिक लाइफ।
अब क्वेश्चन होता है कि आखिर एसिड जो होते हैं किस प्रकार से एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, फिर वही बात है एसिडिटी की। पानी, अच्छा बताइए पानी पीने में खट्टा होता है क्या? पानी में कड़वा होता है ना? पानी खट्टा होता है ना कड़वा होता है, बल्कि वो एक न्यूट्रल स्वाद का होता है। तो उसी न्यूट्रल में उसको, उसी को न्यूट्रलिटी को मेंटेन करनी होती है। जब एसिड पड़ता है तो पानी खट्टा हो जाता है, और जब बेस पड़ता है तो पानी कड़वा हो जाता है। तो पानी न खट्टा होना चाहिए न कड़वा होना चाहिए। आप सोचिए अगर पानी, किसी पानी में बहुत सारी मछलियाँ, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक छोटा सा जाल लीजिए उसमें बहुत सारे पानी और छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स लगा दीजिए और उसमें मछलियाँ भी डाल दीजिए। अब उसमें थोड़ा सा एक गिलास एसिड डाल दीजिए, तो देखेंगे धीरे धीरे वो सारी मछलियाँ क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, और सारे उसके जो उसके अंदर जो मछलियाँ हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो भी सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे एसिडिटी डिक्रीज इंक्रीज करती है, वैसे वैसे प्लांट के सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते चले जाते हैं। डिस्ट्रॉय बिल्डिंग स्टैचू, और ये सभी क्या करते हैं, बिल्डिंग और स्टैचू को क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि एसिड जब गिरेगा तो धीरे धीरे वो उसको उसके अंदर रिएक्ट करेगा, जब रिएक्ट करेगा तो वो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका क्षरण होना शुरू कर देता है, उसके परत परत निकलने शुरू कर देती है। और उसके बाद लास्ट है क्रोजन। आपने देखा होगा जब आप किसी लोहे के टुकड़े को आप बरसात में रख देते हैं तो देखें उसके ऊपर रेड रेड कलर के उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इसको आप कहते हैं जंग कहते हैं। दरअसल में उसी जंग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। मतलब ये किसी मेटल को क्रोड करके उसको धीरे धीरे क्या कहते हैं, उसकी उसकी जो स्ट्रेंथनेस है उसको क्या कहते हैं, धीरे धीरे कम कर देता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में अधिकतर जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं वो अपने आप गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस।